हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जो कि क्या है, अप ऊपर गो, मतलब जाना, ऊपर की तरफ जाना। अब ऊपर की तरफ हम क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, जो लोग उन पर चढ़ते हैं वो ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई कैंप लगते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ग्रुप है, ग्रुप में इकट्ठा हो सकता है, चलो कैंपेनिंग के लिए चलते हैं। अब कैंपेनिंग के लिए जाएंगे तो किसी हिल स्टेशन पर, पहाड़ी एरिया में जाएंगे, वहाँ पर वो क्या करते हैं, गौर के ऊपर चलना या पहाड़ों पर चढ़ना, इस तरह की एक्टिविटीज कैंप में होती है। अब कैंप होगा तो कैंप में रहेंगे कहाँ, ये भी तो मेन चीज़ है। तो हम अपने घर को तो हम साथ मूव कर सकते हैं, तो वो टेंट का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेंट हाउस। मान लीजिए इस तरह से जो टेंट है वो उन्होंने लगाया हुआ है, वो इस टेंट में रहते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है टेंट हाउस। ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी हाउस होता है, मतलब कुछ समय के लिए हम यूज करते हैं। इसे कहीं पर लेके जाना भी ईजी होता है, लगाना ईजी होता है, और वापस से यूज करने के बाद रिमूव करना भी ईजी होता है। तो जो कैंपेनिंग के लिए लोग जाते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं, अपना खाना बनाना या खाना खाना और सोना, सारी एक्टिविटी को इस टेंट हाउस में करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है कैंपेनिंग में। चलिए चैप्टर में पढ़ते हैं कि कैंपेनिंग में और क्या क्या होता है, किस किस तरह की कैंपेनिंग होती है। इसमें जो हमारी एक्टिविटी सॉरी एडवेंचर बताया गया है वो है हमारा 2 February 1984, यानी कि अभी की बात की 2 साल पहले की बात है, तब की 1984, वो भी 2 February। क्या है, माउंटेनिंग कैंप। पहले बताया गया आपको माउंटेनिंग कैंप, माउंटेनिंग मतलब जो पहाड़ होते हैं उन पर जो कैंप होते हैं उसके बारे में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग इंस्ट्रक्शन, एक इंस्टीट्यूट की बात की गई है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ये इंस्टीट्यूट है जो माउंटेनिंग करवाता है। वी वर एट अ माउंटेनिंग कैंप एंड वेयर वर वेल एक्साइटेड, कि हम माउंटेनिंग कैंप पर आए हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कि यहाँ पर जो आए हैं उनमें कम से कम 20 जो लेडीज हैं वो कहाँ से हैं, 20 केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स हैं, उसके अलावा कुछ और फीमेल्स हैं वो कहाँ से हैं, वो बैंक से भी हैं और इंस्टीट्यूट से भी, यानी कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के लोग आए कैंपेनिंग के लिए। टुडे वो जो सेकेंड डे ऑफ द कैंप, जिस दिन की वो बात बता रही है, तो 2 February वो उनके कैंपेनिंग का सेकेंड डे है, यानी कि फर्स्ट डे उनका जा चुका है। फर्स्ट डे उन्होंने कुछ ना कुछ इन्जॉय किया होगा, इतनी एक्टिविटी की होगी, या फिर उन्होंने अपना कैंप लगाने में टेंट जो होता है वो लगाने में अपना फर्स्ट डे उन्हें गया। तो सेकेंड डे की बात कर रहे हैं, इन द मॉर्निंग एज आई गॉट अ बेड एंड पुट माय फुट डाउन आई फेल्ट मी पेन, कि जैसे मैं सुबह उठी उठने के बाद मैंने अपने पैर को जैसे ही बेड से नीचे रखा तो मुझे बहुत तेज पेन फील हुआ, मतलब दर्द मुझे महसूस हुआ। आई रिमेंबर यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रस्क ऑन माई बैक, कि मुझे याद आया कि कल, यानी कि फर्स्ट डे का था, कि कल हमने 26 किलोमीटर तक वॉक की थी, लेकिन 26 किलोमीटर तक पैदल चले थे, और वो भी कैसे, अपनी कमर पर उन्होंने भारी से जो वजन होता है हैवी वेट के बोरे बांधे हुए थे, तो वो लेकर हम इतने दूर तक चले थे। अगर नॉर्मली भी कुछ किलोमीटर तक चलते हैं तब भी हमारे पैरों में दर्द लगता है, और वो तो किसी हैवी वेट के साथ उन्होंने 26 किलोमीटर तक चले गए, जिसकी वजह से उसके पैरों में इतना तेज दर्द हो रहा था। आई वाज अवेयर बिफोर दैट स्टिक स्लिपिंग एंड द रफ नैरो पाथ, कि मुझे डर लग रहा है वापस जाने का, क्यों, वहाँ का जो एरिया है कैसा है, वो जो नैरो है रास्ता जो हमका वो बिल्कुल पतला है, इतना पतला कि अगर हमारे पैर फिसले तो शायद हम उस तरफ गिर जाए या हम उस तरफ गिर जाए, बिल्कुल पतला पतला रास्ता जिसमें हमें चढ़कर आगे जाना होता है। विद टीयर्स
के पास गई। आई वॉज थिंकिंग ऑफ व्हाट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डे, कि मैं सोचने लगी कि मैं क्या बहाना बनाऊँ आज की, अगर जो एक्टिविटी है आज उस एक्टिविटी को ना करने के लिए मैं क्या बहाना बनाऊँ, क्या एक्सक्यूज दूँ मैं उन्हें, वो मान जाए। I have walked about 2-3 kilometers at one time. कि मैं एक बार में दो से तीन
के केंद्रीय विद्यालय से आई थी। आई वाज हैप्पी टू मीट माय न्यू ग्रुप मेंबर्स, कि मुझे अपने न्यू ग्रुप मेंबर्स से मतलब क्या हुई, खुशी हुई। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, कि उनमें बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी, तो मुझे उन कुछ से मिलकर थोड़ा उदास भी लगा, क्योंकि हम लगा लेते थे हम कंटिन्यू 21 डेज तक एक साथ रहें, हमें 21 डेज तक एक साथ रहना था। अब मैं कुछ मान लो लीडर हूँ और मैं उन्हें कुछ बता रही हूँ, अगर उन्हें हिंदी समझ में नहीं आएगी तो वो मेरे जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे फॉलो करेंगे, और या फिर जो उनकी लैंग्वेज अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो हिंदी नहीं बोल पा रहे, तो मुझे भी कैसे फॉलो करेंगे, उनकी की प्रॉब्लम क्या है। इसलिए उन थोड़ा सा बैड फील हुआ। I could not talk even once with Kombi from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our heart we grew close to each other. कि इनमें से एक ऐसी है जो मिजोरम से है, जो कौन सी है मिजो है, मैं उसकी भाषा तो समझ में नहीं पा रही हूँ, बट फिर भी मैं उससे इतनी क्लोज हो गई, बिल्कुल जैसे हार्ट, जैसे दिल से हम किसी को पसंद करते, मुझे इतनी अच्छी लगने लगी, मैं उससे ज़्यादा क्लोजली हो गई, चाहे मैं किसी की लैंग्वेज ना समझ पा रही। अब पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ग्रुप लीडर की। आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू, कि मैं सोचने लगी कि एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट, हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स, कि दूसरों को हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए उनके बैग्स को कैरी करने के लिए। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ग्रुप, कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी जो भी जरूरतें हैं उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी को किसी चीज़ की जरूरत है तो उसे प्रोवाइड करवानी चाहिए। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, और उन्हें एग्जाम्पल के द्वारा लीड करना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कोई थक गया है तो उसे मोटिवेशन देना चाहिए ताकि उसे इच्छा हो कि हाँ मैं भी तो ये चीज़ें कर सकता हूँ या मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हमें अपने लीडर्स मेंबर्स को मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप, आपको कैसा फील होगा अगर आपको किसी भी ऐसे कैंप में लीडर बना दिया जाए। आई विल फील हाईली फॉर्चुनेट फॉर गेटिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बहुत अच्छा फील होगा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे मिल गई तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी जिम्मेवारी को संभाल सकती हूँ, इसलिए मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल सकता तो उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देगा। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू, कि अब ये तो है लीडर कैंप्स के तो हमारी क्लासेस में भी एक मॉनिटर होता है ना, जो अगर टीचर बाहर गई हुई किसी काम से तो क्लास को मेंटेन करता है, सब बच्चों का ख्याल रखता है कि कोई शरारत ना करे, कोई शोर ना करे, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ऐसे काम होते हैं मॉनिटर के। तो बताइए एक मॉनिटर है क्लास का, वो क्या करता है। सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटर आर एज फॉलो, कि क्लास मॉनिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, कि अगर टीचर आपकी बाहर गई है तो मॉनिटर का काम ये है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखे, यानी कि जब टीचर प्रेजेंट थे क्लास में जब बच्चे जैसे थे उनकी एब्सेंस में बच्चे उसी तरह से प्रॉपरली बैठकर अपनी स्टडीज करते रहे। अरेंजिंग नेसेसरी आइटम्स लाइक चॉक डस्ट और डस्टबिन, और क्लास में टीचर के लिए जो जरूरी चीजें होते हैं उन्हें अरेंज करें, जैसे चॉक है अगर खत्म हो गया है तो टीचर के आने से पहले बच्चा वो जो मॉनिटर होता है वो लेके आता है, रखता है स्टॉक में एक्स्ट्रा डस्टर, ये चीज़ें उसे मेंटेन करनी होती हैं। कन्वेय द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स टू द टीचर, कि अगर बच्चों की कोई प्रॉब्लम्स है वो टीचर्स को भी बताएं कि ये बच्चा ये प्रॉब्लम कर रहा है या ऐसे शरारत कर रहा है, तो वो टीचर्स को बताना एक मॉनिटर का काम होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर बाय, आप अगर क्लास मॉनिटर बन जाए तो आपको कैसे लगेगा और क्यों। यस आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, हाँ मैं क्लास का मॉनिटर बनना चाहती हूँ। क्यों, दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क, ये कैसा एक चैलेंजिंग टास्क है, मतलब एक तरह से चुनौती होती है जो हमें प्रॉपरली पार करनी होती है। हाँ ये तो है किसी को भी क्लास मॉनिटर बना दिया जाए वो चाहे ना पढ़ता हो चाहे बच्चे बाकी शोर कर रहे हैं उसे कोई मतलब ना, तो ऐसे क्लासेस का कोई फायदा नहीं होता है। आगे इसमें क्रॉसिंग द रिवर, जब माउंटेनिंग होती है उसमें एक ऐसा भी एरिया आता है जो आपको रिवर क्रॉस करनी होती है, वो आपको किसी पुल से नहीं करनी होती है ना कोई ब्रिज होता है कुछ भी ऐसे नहीं होते, वो आपको करनी होती है एक रस्सिया बनी होती है एक कोने से दूसरे कोने तक, तो आपको उस रस्सी पर से उस रिवर को क्रॉस करना होता है। वी गॉट विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड गॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट, तो उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला, उन्हें ब्रेकफास्ट में विटामिन सी आयरन की गोलियां और चॉकलेट मिल्क। अब ये चीज़ें क्यों मिली, क्योंकि ये चीज़ें हमें एनर्जी देती है, इसलिए जो ट्रेनर है जो ग्रुप का डायरेक्टर था उन्हें इस बारे में अच्छे से नॉलेज है कि बच्चे जो क्लाइंबिंग के लिए आए माउंटेनिंग के लिए आए उन्हें क्या चीज़ें मिले ताकि उनके शरीर में एनर्जी बढ़ी रहे। दीज वर गिविंग द स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस गो इन कोल्ड, ये चीज़ें हमें क्या करते हैं स्ट्रेंथ देते हैं एनर्जी देते हैं, और हमें जो सर्दी होती है सर्दी में गर्म भी रखती है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया जो होते हैं वहाँ पर बर्फ पड़ती है ठंड ज़्यादा होती है, तो उस ठंड से बचने में भी हमारी ये हेल्प करती है। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी मेडिकल चेकअप, और हर सुबह हमारा एक मेडिकल चेकअप भी होता है, यानी कि कभी कभी डेली हमारा चेकअप होता है कल और आज में आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई है आपको नहीं लगी, तो वो सब चीज़ें चेकअप में होती रहती हैं।
वी टाइड आवर बैंडेज एंड काउंटेड द डे लेफ्ट, और हमने जो हमारी बैंडेज थी उतारी थी और दिन गिनने लगे कि बाकी इस कैंपेनिंग के लिए कितने दिन बचे हुए हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर वी रीच अ रिवर, हमने 8 किलोमीटर तक पिक किए, उसके बाद ट्रैकिंग के बाद हम एक रिवर पर पहुंचे, मतलब नदी के पास हम पहुंच चुके हैं। देयर वाज अ थिक फॉग दैट क्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, कि एक पतली सी एक मोटी सी रस्सी बांधी गई था नदी के एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे तक। द रोप वाज टाइटली फिक्स्ड द पीस ऑफ द स्टोन बोथ द साइड्स, और जो रोप है जो रस्सी है उसे टाइटली बांधा हुआ था, उधर से मतलब वो ऐसे नहीं है कि लूज हो खुल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से वो टाइटली सेट की हुई है। आई वॉज फीलिंग नर्वस, आई स्टार्ट थिंकिंग वट वुड हैपन इफ द रोप कम्स आउट, आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर गोज, और मैं उस पर चढ़ने के लिए नर्वस हो रही हूँ, क्यों डर लग रहा है, मन में ख्याल आ रहे हैं कि क्या होगा अगर जो रोप है वो बीच में टूट जाए या जो हमने बांधी हुई है वहाँ से निकल के आ जाए, क्या होगा तो हम रिवर में गिर जाएंगे, क्या पता रिवर जो कितनी गहरी है कितनी चौड़ी है हमें ये नहीं पता, तो उस चीज़ सोचकर वो नर्वस हो रही है। बर्फ की वजह से तो उसकी वजह से मेरे जो पैर है वो फ्रीज हो चुके हैं,
जम चुके हैं और मेरे दांत चिपचिपचिप मतलब कटर 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 ऐसे ऐसे करने शुरू होते हैं। जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हमारे दांतों में से ऐसा आने लगता है। तो वो हमें शुरू हो गया। आई गॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्ट पुटिंग माय फीट फर्मली ऑन द रिवर बैंक। और जो मैंने उस रस्सी को पकड़ा और अपने पैरों को ऊपर ले जाकर पैरों से भी रस्सी को पकड़ने की कोशिश मैंने की। As I walk further in the river, got deeper and slowly the water reached up on my neck. और जब मैं उस रिवर में नीचे नीचे गई तो पानी का लेवल क्या वो ऊपर होने लगा और पानी धीरे धीरे कहाँ तक आ गया, पानी धीरे धीरे मेरी गर्दन तक आ गया। In the middle of the river, I lost my balance and start slipping. और जब रिवर का बिल्कुल बीच का एरिया आया मतलब नदी में बिल्कुल बीच में चली गई तो एकदम से मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। मैं अनबैलेंस हो गई और मैं वहाँ पर फिर स्लिप होना शुरू हो गई। पहले मैं फ्लोट होकर जा रही थी, चलते जा रही थी तो मेरा बैलेंस बिगड़ने से फिर मैं उस नदी में स्लिप होकर आगे जाने लगी। आई वाज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड्स। आई स्टार्ट शाउटिंग फॉर हेल्प। मैं डर गई और मैं कैसे फील कर रही, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड फील होने लगी और जो रस्सी मैंने पकड़ी हुई थी वो भी मेरे हाथों से स्लिप हो रही है, मतलब वो मेरे हाथों से फिसल रही है। मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ हेल्प हेल्प हेल्प, कि मुझे लग रहा है कि मैं तो अब गई इस पानी में डूबी, इसलिए मैं चिल्ला रही हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज़ तो मुझे सेव करो। मैडम ने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसमें
झंडे के लिए क्या क्या चाहिए, स्टिक रॉक हो, स्लिंग्स हो, स्टिक एक्स वगैरह मेन चीजें चाहिए होती है। वी ऑल्सो गेट फूड पैकेट्स, वॉटर बॉटल्स, प्लास्टिक सीड्स, ड्राई टॉर्च स्टिक, सो डायरी टॉर्च, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये तो टूल्स हो गए। इन टूल्स के अलावा भी हमें और भी चीजें चाहिए होती हैं जब हम माउंटेनिंग्स पर चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग्स करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए हमें, पानी की बोतल चाहिए, फूड के पैकेट यानी खाने के पैकेट चाहिए, क्योंकि जब आप माउंटेन पर चढ़ जाओगे ऊपर तो क्या अपना खाना लेने के लिए पानी लेने के लिए आप पीछे आओगे, नहीं ना। इतनी मुश्किल से हमने वो चढ़ाई की है और फिर हम वापस आए, तो इसलिए ये चीज़ें हमें हमारे पास होनी चाहिए। डायरी जिसमें हम नोट कर सकें, टॉर्च, फर्स्ट एड किट वगैरह, फर्स्ट एड किट जिसमें हम कुछ बैंडेज वगैरह मेडिसिन रखते हैं, अगर बाई चांस हमारे रास्ते में तबियत खराब होती है तो हम फर्स्ट एड किट को यूज कर मेडिसिन दे सकते हैं, बैंडेज यूज कर सकते हैं। या कोई रस्सी है, ये तो माउंटेनिंग के लिए यूज हुई, क्या किसी और काम के लिए हुक और जो रस्सी होती है वो भी यूज होती है? यस, आई हैव सीन अ हुक और रोप फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, कि हाँ मैंने एक हुक और रस्सी देखे, इसलिए जब हम जमीन से पानी निकालते हैं, जमीन से जो कुएं होते हैं कुएं से जब पानी निकालते हैं तब ये चीज़ें यूज की जाती है। तो देखा होगा आपने एक रस्सी बंधी होती है, रस्सी से बाल्टी बंधी होती है, उस बाल्टी में कुएं नीचे डालते हैं और जब हम रस्सी से खींचते हैं तो पानी उस बाल्टी में भर के ऊपर आता है, तो यानी कि तभी चीज़ें यूज होते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन कुक एंड रोप बीइंग यूज फॉर सेविंग पीपल, और कभी कभी मैंने ये भी देखा है जैसे कोई आग में फंसे हो या कोई पानी में फंसा हो, ऐसी चीज़ों में कोई लोग फंस जाते हैं तो उन्हें भी वहाँ से कुछ करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए भी हुक और रोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। What else can we use if we want to cross a river in the mountains? इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं जब हम माउंटेन में, जो पहाड़ों में जो नदियाँ होती हैं उस नदी को पार करने के लिए हम और क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं? For crossing a river in the mountains, we need thick rope, slings and cordons. हमें जो रिवर्स होती है माउंटेन में उसे क्रॉस करने के लिए क्या क्या चाहिए? Thick rope, slings और ये चीजें चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन, कि हमें जो माउंटेन्स पर हम चढ़ते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए होती है? व्हाई क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वी नीड टू राइज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जब हम माउंटेन्स पर ऊपर चढ़ते हैं तो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है, इसलिए उसकी हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। जो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है उसकी तुलना में हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। वी ऑल्सो नीड टू वॉक ऑन रफ सरफेस, और हमें एक रफ सरफेस होता है क्योंकि वहाँ पर फ्लैट प्लेन तो होता नहीं, रफ एरिया होता है, तो वहाँ पर चलने के लिए हमें ज़रूरत होती है। दैट इज वाई वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन, इसीलिए जब हम माउंटेन्स पर चलते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ाइयाँ करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, हैव यू एवर हियर ऑफ एनीवन हु हैज डन समथिंग एडवेंचरस व्हाई, कि क्या कभी तुमने किसी सुना है जिसने ऐसा एडवेंचर किया हो, इस तरह की माउंटेनिंग की हो, क्लाइंबिंग की हो, ऐसा एडवेंचर कोई भी किया हो, अगर सुना है तो क्या क्या सुना मुझे? यस, वन ऑफ माई फ्रेंड ऑफ रिवर राफ्टिंग विच इज एन एडवेंचर स्पोर्ट, हाँ मेरा एक फ्रेंड है जो क्या करता है, राफ्टिंग होती है एक एक्टिविटी होती है, एडवेंचर होता है वो करता है, तो मैंने उसके बारे में सुना है। क्या है? एडवेंचरस स्पोर्ट, एडवेंचरस एक खेल है। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस, इफ यस टेल योर क्लास राइट अबाउट योर ओन वर्क, कि कभी आपने भी कोई एडवेंचर किया है, अगर किया है क्लास में बताइए या फिर नोटबुक से नोट कीजिए। तो यस, ड्यूरिंग अ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आई क्लिम अ वेरी टॉल ट्री, इट वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, कि हाँ जब हमारी टीम थी हमने क्या किया था, हमने एक बिल्डिंग एक्सरसाइज की थी जिसमें मैं एक
बहुत ही लंबा पेड़ था जिसके ऊपर मैं चढ़ा था, और वो कहता था मेरे लिए बिल्कुल थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, मतलब डरावना मेरे लिए एक्सपीरियंस था, घबराहट भरा जो था ना वो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग। अब वो माउंटेनिंग क्लाइंबिंग थी, अभी रॉक क्लाइंबिंग। रॉक मतलब जो पत्थर होते हैं, जो पहाड़ होते हैं उन पर जब चढ़ते हैं उसे कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग। कब की बात है, ये है 10 फरवरी 1984। वी हैड टू क्लाइम 15 किलोमीटर टू रीच टैल्का विलेज, कि हमें 15 किलोमीटर जाना था, हमें टैल्का विलेज में अगर पहुंचना तो हमें 15 किलोमीटर तक चलना था। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर, और जो विलेज ये कहाँ था, ग्राउंड से 1600 मीटर की ऊंचाई पर यह गाँव था। नॉर्मली जो गांव नीचे होते हैं जमीन पर ही, ऐसे नहीं था, वो 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। आवर रस्ट्स हैड ऑल दैट वी हैड मेनी नीड फूड पैकेट्स वाटर बॉटल वो बुक प्लास्टिक शीट डायरी टॉर्च टॉवल सॉप वाइन फीटर्स ब्रिसल्स ग्लूकोज जैगरी चना एंड सम अदर स्नैक्स। तो हमें बताया कि हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जब हम ये क्लाइंबिंग करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, फूड का पैकेट होना चाहिए, पानी की बॉटल होनी चाहिए, डायरी टॉवल सॉप टॉर्च, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी माउंटेनिंग में पढ़ा था ये सब चीज़ें लेने के हम नीचे थोड़ी ना आएंगे। अब आप 1600 मीटर की ऊंचाई चढ़ रहे हो और फिर आप भूल गए कि मुझे तो अभी भूख लगी तो मैं नीचे जाके खाना खाऊंगी, इसीलिए हम अपने बैग्स में इन चीज़ों को कैरी करके ही ऊपर चढ़ाई करते हैं। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टैक फील्ड्स, और हमने जब चढ़े तो हमने देखा स्टैक फील्ड मतलब जो खेत होते हैं हमारे, हमारे वहाँ पर नॉर्मल खेत होते हैं, बट यहाँ पर कैसे खेत हैं स्टैक्स के, सीढ़ियों के रूप में जो खेत बने होते हैं वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या ग्रो हो रखी है मतलब उगी हुई है। बीन्स ऑफ कॉलम्स राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 फीट हाई फ्लैट रॉक विद बेड्स ऑन रॉक्स। बीन जो कॉलम्स है राम सिंह वो खड़ा है, उनसे पहले कहाँ पर खड़े हैं वो 90 मीटर उनसे पहले ही जाकर पर खड़े हुए हैं। वी हैव बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई रॉक्स, उन्होंने बताया कि पहले जो रॉक्स होते हैं उन्हें ध्यान से देखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं है जो फिसलने वाला हो या ऐसा हो जिसका आपको पैर अच्छे से सेट ना हो पाए, तो आप पहले उन्हें ऑब्जर्व कीजिए उसके बाद ही आगे बढ़िए। वेयर वी कैन पुट आवर हैंड एंड फीट में आई होस, कि हमें ध्यान से ऑब्जर्व यही करना है कि कहाँ पर हम अपने हाथों को रख सकते हैं अच्छे से, पकड़ने की जगह वो है प्रॉपरली या नहीं, कहाँ पर अपने पैरों को रख सकते हैं मतलब ताकि हमारे पैर जो अच्छे से सेट हो सके। टुडे आई वाज नॉट गोइंग टू बैक आउट आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन आवर इंस्ट्रक्टर टाइड, कि आज जो है मैं लाइन में पीछे खड़ी नहीं हूँ, जैसे उस दिन मैं पीछे खड़ी हुई थी तो आज मैं बिल्कुल पीछे खड़ी नहीं हूँ, आज मैं लाइन में सबसे आगे ही खड़ी हुई हूँ, जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया था। आर रोप अराउंड हिज वेस्ट ही पुट द स्लिंग एंड हैड द थिक रोप व्हिच हैड बीन एज वाज हैंगिंग, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने एक जो मोटी सी रस्सी है वो मेरी कमर से बांधी और मुझे आगे चढ़ने के लिए उन्होंने बोला, इस तरह से रस्सी हमारे कमर में होती है और वो आगे एक हुक होता है ऊपर जो पहाड़ों पर आगे इसलिए यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हो वहाँ तक हम उस हुक को टाई करते हैं, फिर हम उसकी मदद से चढ़ना शुरू करते हैं। ही स्टार्ट क्लाइंबिंग एज इफ ही वाज रनिंग अप, आई ऑल्सो पुट माय स्लिंग्स बट एज आई टुक माय फर्स्ट स्टेप आई स्लिप एंड देन देयर आई वाज फीनिक्स फ्रॉम द रॉक, कि जैसे मैंने आगे चढ़ना शुरू किया तो जो मेरा पहले ही मैंने अपना कदम रखा वो पहले ही मेरा पैर क्या होगा स्लिप हो गया, इसकी वजह से मैं आगे स्विंग्स हो गई रॉक, तो मेरी रस्सी थी उस रस्सी से मैं स्विंग्स हो गई मतलब झूलने लगे, क्योंकि जैसे हम नॉर्मल चढ़ रहे तो पैर स्लिप हुआ तो पूरा बैलेंस बिगड़ा घूमने लग जाते थे उससे। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री व्हाइल क्लाइंबिंग, अ रियर कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बैंड,
अपने जब जो एंगल है आप चढ़ रहे हो, अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पर रखो, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा, कि यहाँ वहाँ बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल आप सीधे चलो, सीधा अपना ध्यान रखो 90 डिग्री पर। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड, और जो आपकी बैक है अपनी कमर उसे बिल्कुल सीधा रखो, मोड़ो मत। तो उन्होंने बताया कि कैसे चढ़ना है, अपने आप को सीधा रखो और 90 डिग्री के एंगल में मूव करो। कीपिंग दिस इन द माइंड, आई इमेजिन दैट अ रोप इज फ्लैट डाउन एंड स्टार्ट टू क्लाइम अप। तो जो उन्होंने मुझे बताया वो चीज़ें मैंने अपने माइंड में सेट कर ली कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो उसके बाद में धीरे धीरे आगे चढ़ना शुरू कर दिया मैंने। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे पुलिंग बैकिंग। लेकिन जब हमें वापस आना था तो तब भी तो हमें जो रोप है रस्सी उसी का यूज करना था, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, मैंने जो ये सेकंड हमारी रोप क्लिंग थी ये मैंने बिल्कुल भी बिना डरे थी, मतलब फर्स्ट में जब एक्टिविटी कर रही थी तो मुझे डर लगा, बट अब सेकंड टाइम मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को सीखा कि ऐसे एक्टिविटीज करने के लिए है तो मैं इन्हें बिल्कुल बड़ी हिम्मत से करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाते हैं हम उन्हें फॉलो करेंगे तो हम चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। पेड़ पर चढ़े हो, अगर चढ़े हो तुम्हें कैसा फील हुआ है, और क्या तुम डरे हो, तुम्हें डर लगा है या नहीं लगा है, और क्या तुम गिर गए, जैसे कोई चीज करना शुरू कर दे चढ़ना शुरू किया तो क्या हम गिर गए या डर लगा या कैसा हमें फील हुआ, वो चीजें उसने बता दी। तो यस आई क्लीन आउट द वाटर ट्री ड्यूरिंग माय वेकेशन एट ए विलेज, कि हाँ जब मेरी गर्मियों की छुट्टी थी तो मैं गांव में गई और गांव में जो अमरूद के पेड़ होते हैं, गवावा ट्री मतलब जो अमरूद के पेड़ होते हैं, मैं उन पर चढ़ी थी। इट वॉज एडवेंचर, वो मेरे लिए कैसा था, मेरे लिए एडवेंचरस था। आई फेल्ट समवर्ड स्केयर, मुझे थोड़ा सा तो डर लगा। आई हैव नेवर फॉलन फ्रॉम अ ट्री, लेकिन मैं पेड़ से बिल्कुल भी नहीं गई, मैं प्रॉपरली पेड़ पर ऊपर तक चढ़ गई। Have you ever lost your way? कि क्या कि तुम चढ़ रहे थे तो तुमने अपना रास्ता जो खो दिया, मतलब तुम कंफ्यूज हुए कि नहीं इस रास्ते से नहीं जाना, उस रास्ते से जाना, ऐसा तुम्हें कुछ हुआ? What did you do then? अगर हुआ तो तुमने उस टाइम पे क्या किया? Yes, I have lost my way a couple of times. कि मैं हाँ अपना जो रास्ता है मैं भूल गया। I did not panic and dialed my father's number. I told him about my whereabout. कि मैं फिर पैनिक नहीं हुई, परेशान नहीं हूँ, डरी नहीं, मैंने क्या किया, मैंने अपने फादर का जो नंबर है वो कॉल किया, यानी कि मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, तो प्लीज़ तो मुझे आप मुझे लेने आ जाइए। तो इसीलिए बच्चों आप लोगों को भी अपने पेरेंट्स के अपने मदर फादर्स के जो फ़ोन नंबर होते हैं वो कम याद होने जरूरी है, ताकि कभी भी आप कभी खो जाओ या आप कोई चीज़ है जहाँ पर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पर हो, जल्दी से आप चले गए हो, तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता सकते हो कि मैं इस जगह पर हूँ, मेरे आसपास ये चीज़ें हैं, ताकि वो समझ सके और आपको ढूंढ सके। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स के नंबर को जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक कोंडी को वुड हैव सम लाउड, कि तुम्हें क्यों लगता है लीडर थे उन्होंने जोर से चिल्ला के क्यों कहा? क्योंकि अगर तो आपको धीरे से बोलेगा, आप उनसे दूर हो, वो धीरे से आपको बोलेगा तो क्या आपको सुनाई देगा? नहीं। On the pond, may have wanted to send some signals to the rescue team. क्यों? क्योंकि जो rescue teams होते हैं, जो बचाने वाली टीम होते हैं, वो उन्हें कुछ सिग्नल भेज रहे हैं ताकि वो समझ सके कि मुझे क्या कहना है। Singing a song was a good way to send audible signals. जो गाना गा के हम किसी को सिग्नल देते हैं वो क्या है, एक अच्छा तरीका है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इससे क्या है कि जो गाना गा रहा है वो और जो इन चीज़ों को सिग्नल्स को जानता है सिर्फ वही आपकी बात को समझ पाएगा,
बाद आपने क्या कहा है, इसके अलावा अगर कोई अदर है जिसे आप चाहते हो कि वो आपकी बातों को ना सुने, तो भले ही आपका गाना तो सुनेगा बट वो चीज़ों को पहचान नहीं पाएगा कि आपने गाने के थ्रू क्या बात कही है। क्या कभी तुमने देखा है कि कुछ लोग जो है अपने फियर, अपने डर को दूर करने के लिए क्या अलग करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं? Yes, I have seen my sister shutting her eyes during a ride on a giant fairy wheel. कि हाँ, मैंने अपनी बहन को देखा है वो तो बड़े से व्हील पर ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो क्या कर लेती है, उसे डर लगता है तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जो झूले होते ना बड़े बड़े झूले, तो हमें डर लगता है, हमें पता है कि झूलना तो है मजा आएगा बट थोड़ा डर भी लगता है, तो क्या करती है उस टाइम अपनी आईज को क्लोज कर लेती है, ये मेरी सिस्टर करती है। शी सेड शी डिड नॉट दैट टू गेट ओवर हर फियर, तो वो कहती है कि मैं अपने डर से बाहर आना चाहती हूँ, मतलब मैं इस डर को फेस करना चाहती हूँ ताकि मुझे अगली बार क्या आएगी डर ना दिखे। क्योंकि क्या होता है, हमने आईज क्लोज कर ली तो मेरे तक कुछ नहीं हमारे पास, नॉर्मल चीजें, तो उससे हमारा डर जो है दूर हो जाता है। नेक्स्ट अ फनी इंसिडेंट, अब उनका जो कैंप था उस बीच में एक फनी मतलब एक मजाक की अभी कोई घटना घटी। कब? 14 फरवरी 1984 में, 14 फरवरी की बात है। इन द इवनिंग ऑन द बॉन्गी वर्स फीलिंग हंगरी वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, इतनी बॉक्स है वो कैसा है, वो हंगरी फील कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी बट हमारे पास कुछ खाने को ही नहीं है। शी जंप ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, और उन्होंने क्या किया, जो खेत थे स्लैब फील्ड से उनमें जाकर वो कूद गई। शी इट प्लग टू बिग कुकुम्बर्स एंड कम बैक, और उन्होंने जल्दी से दो बड़े बड़े कुकुम्बर्स तोड़े और वापस आ गए। क्यों? डर लगता है ना कि कभी इस जो फील्ड का ओनर है, इस खेत का जो ओनर है, अगर वो आ गया तो मारे, इसलिए उन्होंने जल्दी से दो कुकुम्बर तोड़े, बड़े बड़े तोड़े और भाग के वापस आ गए। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड गॉट होल्ड ऑफ हर बैग, और तभी उनके पीछे से एक औरत है वो आ गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया, मतलब आखिरकार वो पकड़े ही गए। She started saying something to the mom in her own language. We could not understand, but she was saying. तो वो जो लेडीज थी वो उन्हें कुछ कुछ कहने लगी अपनी लैंग्वेज में, बट हमें तो वो लैंग्वेज आती नहीं थी, तो हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे डांट रही है, क्या कुछ है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। On the mommy was trying to explain her reason. पर वो जो थे वो अपनी भाषा में तो समझाने की कोशिश करें कि मैं किस लिए गया था आपके खेत में, बट दोनों को क्या है दूसरे के लेवल की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो हम उसके लेवल जो है समझ नहीं पा रहे थे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, हमने उसे हिंदी में भी समझाने की बात सोची कि हम अपनी बात को उन्हें हिंदी में समझाएं, बट वो हिंदी भी नहीं समझ पा रही थी, तो हम क्या करें। फाइनली आई कॉल्ड माय आईज टू से दैट वी वर सॉरी, और मैंने क्या किया कि मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसे कान पकड़ कर सॉरी बोलते, तो उन्होंने ऐसे फील करवाया ताकि हमारी बात को समझ सके हमें क्या कहना है, तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ अभी हमसे सॉरी मांग रहे हैं। नेक्स्ट बाय देन आवर ग्रुप हैड गोन फार अहेड, और उसके बाद हमारा ग्रुप है वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, आगे चलने लगा। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, जैसे हम आगे बढ़े तो क्या हुआ, डार्क अंधेरा होने लगा, तो हमें लगा कि शायद हम अपना रास्ता भूल गए, किसी गलत रास्ते पर तो हम नहीं आ गए हैं। नाउ वी वर रियली स्केयर्ड, अब हमें डर लगने लगा। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस, कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, भले ही अपने टॉर्च भी ऑन कर लेते फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आई स्टार्ट स्वीटिंग इवन थ्रू इट वॉज कोल्ड, कि वहाँ पर ठंड है फिर भी हमें पसीने आने शुरू हो गए, क्यों, डर से घबराहट से हमें पसीने आने लगते हैं। आई ट्राई टू हेल्प इन द मोमेंट हैंड्स, आई
आवाज़ है क्या मामले उसमें गूंजने लगी। इको होता है ना, मतलब जैसे हम कुछ बोल रहे तो सेम साउंड हमें रिपीट आता है। वी बोथ आर विसल्स लाउडली एंड फ्लैश आवर टॉर्चेस। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी वर मिसिंग। और हमने विसल बजाना शुरू कर दिया और फिर टॉर्च को ऑन ऑफ ऐसे करते ऐसे करने लगे, जिससे हमारा जो ग्रुप है वो समझ गया कि हम मिस हो चुके हैं, हम खो चुके हैं। वी हियर सम विसल्स एट अ डिस्टेंस। आई अंडरस्टूड द सिग्नल वी हैड ईच अदर हैंड पैटी एंड वेट कि फिर दूसरे डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी से भी एक साउंड आने लगा। जो विसल की आवाज़ हमारी थी सेम ऐसी आवाज़ आने लगी तो हम समझ गए कि हाँ कोई है जिसने हमारी बात समझ ली है और वो हमें बचाने के लिए हमें ढूंढने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। हमने उसे अपने हाथ पकड़ा और वेट करने लगा कि वो हमें लेने के लिए यहाँ पर आए। फेल्ट दैट शी शुड बी टॉकिंग शी स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग लाउडली। तो उन्होंने सोचा कि हम बातें मतलब बंद ना करें क्योंकि हम बोलते रहेंगे तो हमारे साउंड को सुनकर वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। तो उसने अपनी मिजो लैंग्वेज में एक गाना गाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम शी सो देम कमिंग टुवर्ड अस एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। और कुछ समय के बाद हमें दिखाई दे जो हमारा ग्रुप है वो हमारी तरफ आ रहा है और वो हमें ढूंढ लेते हैं, हमें मिल जाते हैं उनसे और लास्ट में जो हमारा ग्रुप है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो मेम्बर्स आगे चले गए थे जो हमसे बिछड़ गए थे वो फिर से हमें मिल जाते हैं। टेंट एंड फॉर द ग्राउंड और सब अपने अपने टेंट्स हैं
उसमें बिजी है, अपना टेंट लगाना है, क्योंकि नॉर्मल तो वो रह नहीं सकते वहाँ पर, अपनी जो रात है वो अपनी रात वहाँ पर नहीं बिता सकते, तो वो टेंट लगा रहे हैं। और जो नीचे ग्राउंड है उसको भी कवर कर रहे हैं डबल प्लास्टिक सीट से। डबल क्यों, तो हम इतनी ऊंचाई पर चढ़ चुके तो ठंड भी क्या है, ठंड भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो नॉर्मल नहीं, वो डबल डबल यूज़ कर रहे हैं, डबल प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड पर भी डबल यूज़ कर रहे हैं अपनी रात बिताने के लिए। The air between the layers would have keep us warm. जो लेयर्स है उन लेयर के बीच में जो हवा आती है वो क्या कर रही है, वो हमें गर्म रखने में हेल्प कर रही है। We put in the spaces and began to put up the tent. और फिर हमने जो टेंट है उसे बांधना शुरू किया, टाई करना शुरू किया। As we tied from one side the wire from the tent from the other side. क्या जैसे हमने उसे एक साइड से बांधा क्या हुआ, हवा आई और हवा ने उसे साइड से उड़ा दिया। आफ्टर क्वाइटली अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड ट्रबल वी मैनेज टू गेट द टेंट अप देन द डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट। और बहुत कोशिश करने के बाद हमें बहुत देर टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस टेंट को सेट करने में, क्योंकि वहाँ पर क्या हवा ज़्यादा तेज चल रही है। जैसे हमने एक एरिया कवर किया टेंट का, दूसरा कवर करने चले पहला एरिया उड़ गया, वो जो पहले हमने कील बांधी थी जिसमें हमने उसे बांधा हुआ था वो वहाँ से खुल गया, तो इसलिए उसमें जो है टेंट लग रहे हैं वहाँ पर बहुत टाइम लग रहा था। वी वर फीलिंग वर वेरी हंग्री, और ये सब करते करते हमें क्या है बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। वी कलेक्ट सम फायर एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड। फिर हमने क्या किया, हमने अपने लकड़ी ढूंढी और जो चूल्हा होता है जब थोड़े से ईंटों से बनाते हैं वो चूल्हा तैयार किया खाना बनाने के लिए। आफ्टर द मील वी कलेक्ट ऑल द वेस्ट इन अ बैग एंड क्लीन द टेंट साइट। और जब हमने जैसे खाना बनाया, खाना खाने के बाद जितना भी वेस्ट था जो हमने उसमें खाना बनाने के लिए यूज़ किया, उसके जो बाकी वेस्टेज मेटेरियल थे वो हमने ऐसे ही नहीं फेंके, क्योंकि जो टेंट की साइड से जो एरिया था वो क्या होता गंदा होता, इसलिए हमने खाना खाने के बाद उन सब चीज़ों को भी वहाँ से क्लीन किया, जितना भी हमारा वेस्ट था, मान लीजिए प्लास्टिक के बैग्स थे, बॉटल्स थे, जो भी वेस्टेज थी वो हमने वहाँ पर ऐसे निचोड़ी, उसे हमने अपने बैग में डाल लिया ताकि किसी जो गार्बेज वाली जगह है हम उसे वहाँ पर फेंक सकें। We walk carefully on the snow with the help of sticks. हम
कैट धीरे धीरे ध्यान से आगे बढ़ने लगे। क्यों? पहले नॉर्मल एरिया था बट अब स्नो हो चुके, बर्फ हो चुके, इसलिए अपने स्टिक की मदद से हम धीरे धीरे आगे ध्यान से बढ़ना शुरू करते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी कीप स्लिपिंग। आगे जो चलना है वो क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। क्यों? जो बर्फ होता है अगर स्लिप कर रही है, फिसल रही है। बट बाय आफ्टरनून वी हैड दिस स्नो कवर्ड माउंटेन। और आफ्टरनून इन दोपहरों हम वहाँ तक पहुँचे जो माउंटेन जो बर्फ से कवर हो चुका है हम वहाँ तक पहुँच चुके। वी इंजॉय थ्रोइंग स्नो बॉल्स टू ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। और उसके बाद हम वहाँ पर अपनी मस्ती करने लगे, हम एक दूसरे को स्नो बॉल्स मार रहे थे, स्नो मैन बनाने लगे वहाँ। लास्ट डे एट कैंप, उसके बाद कैंप का लास्ट डे आता है। लास्ट डे कौन सा है? 21 फरवरी 1981। फर्स्ट कब से हुआ था? फर्स्ट हुआ था हमारा ये 1 फरवरी से 21 डेज का कैंप था। उसके लास्ट डे कौन सा है? 21 फरवरी। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। और हम आज किसके लिए तैयार है? आज हम कैंप फायर के लिए तैयार है। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। वी वर एंजॉयिंग टेलिंग जोक्स, लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। कैंप फायर जैसे हमने एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप के बीच हमने एक फायर लगा ली, जो आग हम जलाते हैं वो कैंप फायर है। उस कैंप फायर के आसपास हम मजे कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई जोक सुना रहा है, कोई हंस रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज हम कर कर इंजॉय कर रहे हैं। सो इट वॉज मिडनाइट, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वॉक अप एंड कॉल्ड मी। उसके बाद क्या होगी? मिडनाइट मतलब आधी रात हो चुकी है। जो ब्रिगेडियर है ज्ञान सिंह वो उठे, उन्होंने मुझे बुलाया। आई टोल्ड ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम। मैं सोचने लगी ओह मैंने क्या कर दिया, जो किसी को नहीं बुलाया और मुझे ही उन्होंने बुलाया है। बट वेन सर अनाउंस माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल। लेकिन जब जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने मेरा नाम लिया किस चीज़ में? बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड की जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में किसने मैंने बेस्ट किया तो उसने उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया एज ए बेस्ट परफॉर्मर। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोलिंग डाउन माय फेस। उन्होंने मुझे ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया और इस खुशी की वजह से जो मेरी आंखों से आंसू है वो आने लगे। जिससे हम कहते हैं जैसे खुशी के आंसू होते हैं तो खुशी के आंसू जो मेरी आंखों से आने लगे। तो ये चैप्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी हमें एक स्टोरी और रीड करनी है। तो अभी तो सिर्फ हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं ये एडवेंचर है 21 डेज का, इसका संगीता मैडम का। संगीता मैडम ने सिर्फ फर्स्ट डे से लेकर 21 फरवरी तक क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, माउंट की एंडमिंग रिवर्स के लिए स्नोमैन सुनाए, लास्ट में कैंपेनिंग क्या था, ये चीज़ें सिर्फ हमने अभी पढ़ी है। तो बाकी का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और आप भी ट्राई कीजिए कि सोचिए कि क्या आपने भी कुछ ऐसी एक्टिविटी की है, कोई ऐसा फिजिकल वर्क जिसे करने से पहले डर लगता है पर फिर भी हमें करना पड़ता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय बच्चे।